फर्स्टली इन 1687 सर इसक न्यूटन हु वॉज अ ग्रीट ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ हिस टाइम उन्होंने दिया था लॉज ऑफ मोशन उनकी अपनी बुक जिसका नाम था प्रिंसिपिया जिसमें उन्होंने थ्री लॉज दिए थे मोशन के फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ लॉ जिसमें कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लॉ की तो जो फर्स्ट लॉ था वहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया था मोशन को डेफिनेटली वो डिफाइन उन्होंने मोशन को किया था फर्स्ट लॉ के थ्रू बट मेजर्ड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है और फोर्स क्या है चलिए इस लेसन में हम जान लेते हैं व्हाट इज द न्यू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand force and pressure. So, this will be your topic force and pressure. So, first, we will cover the introduction what is force, effect of force, and then unit of force, and so on, pressure. So, coming to the introduction if you have to move a book you are moving a book from one place to the art table okay if your book is kept there on a table and if you want to move from one place to other of that same table or sometimes you are opening a door sometimes you are lifting a bucket filled with water or you are opening a drawer if you are kicking off a football or hitting the ball with the bat so what is common in all these situations so, can you say what is common in all these situations? Now let us understand better. Tug of war, or drawing back a bow, pulling a box, raising a flag, or opening a door. ये सारे जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो सब जगह common हो रही है? That is force. Yes, it is force. किसी भी चीज़ को करने के लिए आप force लगा रहे हो कोई भी काम कर रहे हो उसमें फोर्स की जरूरत पड़ी सो कॉमन इज फोर्स इज फोर्स एक्चुअली फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ वी कैन से अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स आप फोर्स को देख तो नहीं सकते हो लेकिन आप फील कर सकते हो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसके इफेक्ट को आप देख सकते हो बेशक आप फोर्स नहीं देख पा रहे हो लेकिन आप उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं आप उसे देख सकते हो फोर्स दो तरह के होते हैं एक तो पुश होता है और दूसरा पुल होता है वॉट डू यू मीन बाई पुश एंड पुल सो एनी फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज इज कॉल एज पुश एंड अ पुल इज वेन अप्लाई वी अप्लाई अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर बॉडी तो किसी चीज को जब आप अपने से दूर की तरफ Uh, धक्का देते हो तो उसे पुश कहते हैं और जब किसी को अपने अपने तरफ खींचते हो तो उसे हम पुल कहते हैं अब इनके बीच में कॉम्बिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल सो वी कैन अंडरस्टैंड प्लेइंग गिटार सॉइंग वुड स्क्रबिंग द फ्लोर और रोइंग अ बोट ये कॉम्बिनेशन है पुश एंड पुल दोनों तरह के फोर्सेस का नाउ विदाउट एन इंटरैक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाय टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिना इंटरेक्शन किए आप किस, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का की जो अवस्था है उसमें कोई चेंज आ पाए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक बुक है और वो टेबल पे लाई है देन यू इट विल रिमेन सेम अगर जब तक आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया तब तक उसकी अवस्था बिल्कुल सेम रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है बट वट इज द इफेक्ट ऑफ अफोर्स जैसे कि इफेक्ट में क्या आप उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो ठीक है लेकिन इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि चेंज इज द शेप टेम्पररी अब यहां पर जैसे आपने बहुत सारी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें कि आप क्या करते हो शेप को चेंज कर देते हो एक टेम्पररी के पीरियड के लिए या फिर स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स ओके okay, किसी भी चलती हुई चीज को रोक देना या रुकी हुई चीज को चला देना ये इफेक्ट है फोर्स के चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आप स्पीड को चेंज कर देते हो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस द शेप परमानेंटली समटाइम्स सम चेंजेस द शेप परमानेंटली दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ना फोर्स कैन काउज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब आप किसी स्टेशनरी यानी कि जो चीजें रखी हुई है जो स्टेशनरी है जो कि स्थिर अवस्था में है उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो वहाँ पर मोशन काउज हो जाता है जैसे कि बुक जो एक टेबल पे रखी है अगर आपने उसके ऊपर अप्लाई किया तो बुक्स के जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज पुश और पुल नॉट नेसेसरी दैट फोर्स ऑलवेज मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव अब यह जरूरी नहीं है कि हर बार एक आप जब फोर्स लगाते हो तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा दे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक वॉल को पुश किया अपने क्लासरूम की एक वॉल को पुश करते हो और वो मूव नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने फोर्स नहीं लगाया आपने फोर्स तो लगाया लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेट आप चेंज नहीं कर पाए बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाई यू इज नॉट सफिशियंट टू मूव द वॉल ओके नाउ सेकेंड इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ओके okay. फोर्स जो किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकती है जैसे कि फुटबॉल प्लेयर किस अ फुटबॉल टूवर्ड्स गोल गोल द अ बॉल और अ बाईसाइकल और कार स्टॉप वेन यू अप्लाई ब्रेक्स मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट वेन यू अप्लाई फोर्स विथ योर हैंड्स सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स विच कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट थर्ड

जो फोर्स है उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगाया जा रहा है नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक पुशिंग अ स्विंग मेक्स इट मोर फास्टर आप झूला झूल रहे हो और उसको कोई वापस से पुश कर देता है तो आपका आपकी जो स्विंगिंग है वो फास्ट हो जाती है पुलिंग अ स्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन मेक इट स्लो डाउन जैसे कि आप पुल करते हो अपोजिट तो डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्विंग मूव हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो वो डाउन हो जाती है सपोज इफ़ यू हैव टू इफ आर साइकिलिंग अब बाइसाइकिल अब यहाँ पे पैडल को आप जितनी जल्दी जल्दी फोर्स लगाते हो जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हो आपकी स्पीड बढ़ जाती है जैसे उल्टा करते हो तो स्पीड कम हो जाती है ये कैसे होता है? जैसे आप किसी पेपर को फोल्ड करते हो या किसी क्लॉथ को फोल्ड करते हो तो आपने यहाँ पे जो force लगाया, उससे आपने उसका शेप चेंज किया अगेन इफ यू आर स्कूजिंग आर ट्यूब और पेंट और टूथपेस्ट स्क्विज करने में आपने जब फोर्स लगाया तो आपने उसका शेप चेंज कर दिया जो ट्यूब था ट्यूब का शेप चेंज हो गया जैसे आपने टूथपेस्ट निकाला ट्यूब से फोर्स लगाकर तो यहां पर जो ट्यूब है टूथपेस्ट का उसकी शेप चेंज हो गई अगेन इफ यू आर नडिंग अ डो सो यू आर नडिंग डो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ शेप चेंज वेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स सो शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस नाउ कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ फोर्स ऐसा यूनिट फोर्स की है न्यूटन जिसे डिनोट किया जाता है द एन लेटर से डिनोट किया जाता है जिसे हम ब्लॉक में लिखते हैं हंड्रेड ग्राम्स वेट हैली अपर्ड इज कॉल्ड वन किलोग्राम फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाई किलोग्राम फोर्स और के जी एफ वन के जी एफ इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन और वन के जी एफ इजल टू वन थाउजेंड ग्राम फोर्स यहां पर जीफ एफ उसे शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अगेन अ टाइप ऑफ फोर्स किस तरह की फोर्स है तो फ्रिक्शन क्या होता है पहले ये जानते हैं फ्रिक्शन अगर्स वेन टू सर्फेस आर मूविंग इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर दो चीजें जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में मूव कर रही है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है सो वॉट आर द फैक्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन सो फैक्टर इज फिजिकल कंडीशन ऑफ द सर्फेस एंड वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट ये दोनों चीजें जो है फैक्टर है और ये इफेक्ट करती है फ्रिक्शन को यानी कि जो चीजें हैं उसकी उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है और उसका वेट कितना है यहां पर फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि इनेबल्स पीपल टू रन एंड वॉक बिना फ्रिक्शन के आप वॉक और रन नहीं कर सकते आ, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप गिर जाएंगे या फिर आप स्लिप कर जाएंगे एज आप एक वॉकिंग करते हैं एक फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे लाइक like वॉट एक वाटर गिरा हुआ सरफेस है या ऑयल गिरा हुआ सरफेस जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है तो आपके गिरने के चांसेस होते हैं नाउ इनेबल एस टू राइट ऑन पेपर विदाउट फ्रिक्सन यू कै नॉट राइट ऑन अ पेपर इनेबल्स अ कार टू स्टॉप वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन अलाउस व्हीकल टू ट्रैवल ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग सो दीज ऑल आर द एडवांटेजिज ऑफ फ्रिक्शन सो वॉट आर द डिसडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन सो इट स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को स्लो कर देता है फ्रिक्शन अगेन इट काउस द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वीअर आउट टू आउट अगेन काउज लेस इफेक्टिवनेस ऑफ मूविंग मशीन काउज हीटिंग काउज साउंड पॉल्यूशन इनक्रीजेज कॉस्ट वेन वॉर्न आउट ऑब्जेक्ट नीड टू रिप्लेस विथ न्यू वंस तो कोई भी चीजें वार्न आउट यानी कि घिस जाती है जब उसके ऊपर फ्रिक्शन काम करता है So, what are the ways to reduce the friction? So, we can use the ball bearing to reduce the friction. We can use wheel and axle to reduce the friction. We can use a lubricant such as grease or oil. Or we can use air cushions. We can use a roller bearing to reduce the friction. So, these are the ways to reduce the friction. न सी वर दिक्शन आप फ्रिक्शन से एक मैच करते हो आप किसी पानी को होल्ड कर पाते हो बिकॉज करते हो ग्लास को या किसी भी सर्फेस को जब आप क्लीन करते हो फ्रिक्शन फोर्स वहां पर अप्लाई करते हो ना वट इज अ प्रेशर प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट द फोर्स अप्लाइड इज परपर्निकुलर टू द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। बेसिक फार्मूला ऑफ प्रेशर इज फर्स फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर मतलब करते हैं प्रेशर कई तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर और गोज प्रेशर जो फर्दर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो आगे बात करते हैं एयर प्रेशर की एयर प्रेशर जो होता है वो रिलेशनशिप होता है फोर्स एंड प्रेशर के बीच में जैसे कि आप साइकिल में पंप से हवा भरते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स आपने फोर्स लगाया एंड फोर्स इज अप्लाई टू पंप द पंप टू प्रोड्यूस एयर प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो फोर्स को पंप के ऊपर तो पंप एयर प्रोड्यूस करता है एयर प्रेशर प्रोड्यूस करता है जिससे कि आपकी टायर में हवा फिल होती है

पूरे इसे वैक्यूम कर दिया फिर उन्होंने क्या किया 18, एट हॉर्स दोनों साइड उन्होंने बांधे और ईट हेमेस्फे को उन्होंने पुल करने की कोशिश की सो so, इतना ज्यादा आप समझ सकते हो एयर प्रेशर काउज हो सकता है जिससे कि एटीन हॉर्सेज जो है ना वो भी नहीं आ, पुल कर पा रहे हैं एक दूसरे से अलग कर पा रहे हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सो so, नाउ आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको फोर्स और प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे सो so, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल गुड बाय एंड टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम इसके इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे